कटघर थाना पुलिस ने किया विशाल यादव हत्याकांड का खुलासा। 3 दिन से लापता विशाल यादव की गोली मारकर की गई थी हत्या। विशाल की हत्या में शामिल 2 आरोपी मोहित और सचिन गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अनिरुद्ध समेत 4 लोग फरार। मुख्य आरोपी अनिरुद्ध ने विशाल के दोस्त मोहित और सचिन को पैसे का लालच देकर विशाल को घर से चमरपुरा के जंगल में बुलवाया था। अनिरुद्ध ने अपने साथियों अभिनव, अभिषेक, गोलू के संग मिलकर विशाल यादव को उतारा मौत के घाट। अनिरुद्ध ने अपने भाई काका की हत्या करने वाले जेल में बंद विशाल यादव के भाई सुभाष से बदला लेने के लिए की विशाल यादव की हत्या। आरोपियों ने विशाल यादव की हत्या कर उसका शव किया गड्ढे में दफन। पुलिस ने मोहित और सचिन को भेजा जेल। अनिरुद्ध, अभिषेक, अभिनव और गोलू की पुलिस को तलाश, जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। सीओ कटघर रुद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया हत्याकांड का खुलासा। क्या मामला है? दिनांक 17 मई को जो है रात में 11 से 12 बजे के बीच में एक व्यक्ति संतोष यादव नाम का थाने पर आया। उसके द्वारा सूचना ये दी गई कि उसका लड़का 16 तारीख की रात 10 बजे से गायब है। तो उसकी सूचना दर्ज की गई। सूचना दर्ज करने के बाद कल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मीडियो के द्वारा पता करा गया तो उसमें ये बात निकल के आई कि जो व्यक्ति गायब था उसके भाई इस समय जो है जिला कारागार में 2022 से एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। तब से भी जमानत नहीं हुई और उसमें ये बात निकल के आई कि उसी का बदला लेने के आशय से कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनके माध्यम से जो कि जो है मृतक के मित्र भी थे, जिनके माध्यम से ये पता चला कि इसकी जो है हत्या कर दी गई। इनकी निशानदेही पे वो लाश बरामद हुई है। इसमें 4 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है।